डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि अगर बात करें पिछले क्लास में, तो हम लोग एल्काइन से संबंधित आयुपेशी नामकरण को किए थे, यानी कि एल्काइन से संबंधित किसी भी यौगिक का आयुपेशी नाम कैसे लिखते हैं उसको हम लोगों ने सीखा था। चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक बनाएंगे हैलोजन व्युत्पन्न बनाने की विधियां। हैलोजन व्युत्पन्न बनाने की विधियां। हैलोजन व्युत्पन्न बनाने की विधियां। अब जरा अब हम लोग सीखेंगे कि हैलोजन का व्युत्पन्न कैसे बनाया जाता है। अब हैलोजन का व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ? तो व्युत्पन्न का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का हटना और हैलोजन का जुड़ना। यानी कि अगर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर हाइड्रोकार्बन बनता है। अब उस हाइड्रोकार्बन में चूंकि हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन अपने स्थान से हटता है और उसके जगह पे क्या आता है, तो कोई भी हैलोजन आता है। यानी कि हाइड्रोजन का हटना और उसके जगह पर हाइड्रोजन के जगह पर कोई भी हैलोजन का जुड़ना, ये कहलाता है व्युत्पन्न। ठीक है, अब ये जो व्युत्पन्न होता है वो कितने तरीके का होता है, कितने तरीके से बनाया जाता है हैलोजन का व्युत्पन्न? तो ये तीन तरीकों से बनाया जाता है। पहला एल्केन से बनाया जाता है, दूसरा एल्कीन से बनाया जाता है और तीसरा अल्काइन से बनाया जाता है। तो इसके नीचे एरो देकर लिखेंगे हैलोजन के व्युत्पन्न, हैलोजन के व्युत्पन्न तीन विधियों से बनाया जाता है, तीन विधियों से बनाया जाता है। पहला एल्केन से, दूसरा एल्कीन से और तीसरा एल्काइन से, तीसरा एल्काइन से। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि जो हैलोजन व्युत्पन्न बनेगा वो कितने विधियों से बनेगा, तीन विधि से, एल्केन से, एल्कीन से और एल्काइन से। तो अब टॉपिक बनाएंगे सबसे कि अब हम लोग एल्केन से कैसे बनाते हैं, एल्केन से हैलोजन व्युत्पन्न बनाना। यानी कि हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ, हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब यह हुआ हाइड्रोजन का हटना और हैलोजन का जुड़ना। और हैलोजन का जुड़ना मतलब कौन कौन सा हैलोजन होता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरटाइन। यानी कि आवर्त सारणी का 17 वाला वर्ग को हैलोजन कहा जाता है। और वहीं से हम लोग ये बोल रहे हैं कि हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब हाइड्रोजन का हटना और हैलोजन का जुड़ना, यानी हाइड्रोजन हटेगा और हैलोजन जुड़ेगा, तभी इसी हम लोग प्रक्रिया को बोलते हैं कौन सी, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। अब हैलोजन व्युत्पन्न चूंकि तीन तरीकों से किया जाता है, एल्केन से, एल्कीन से, अल्काइन से, तो टॉपिक दिया जाए एल्केन से हैलोजन व्युत्पन्न बनाना। अब इसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए कुछ बात, लिखेंगे इसमें मीथेन और क्लोरीन के बीच, इसमें मीथेन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, इसमें मीथेन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर CH4 के
बोर्ड पे लिखा हुआ है सी एच फोर के चारों हाइड्रोजन बारी बारी से क्लोरीन द्वारा विस्थापित होते हैं, बारी बारी से क्लोरीन द्वारा विस्थापित होते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग एल्केन से हैलोजन व्युत्पन्न कैसे तैयार किया जाता है जरा हम देखते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब ही होता है हाइड्रोजन का धीरे धीरे घटना और हैलोजन का जुड़ना। चलिए एग्जाम्पल में करते हैं, यानी एल्केन से अगर हैलोजन व्युत्पन्न बनाना होगा तो आपको याद रखना होगा कि किसके किसके बीच अभिक्रिया करा रहे कराना पड़ेगा, तो मीथेन और क्लोरीन के बीच। तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और इसको क्लोरीन के साथ कराना पड़ेगा, यानी कि कोई भी अगर मीथेन रहेगा उसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ, अच्छा क्लोरीन जो होता है हमेशा 2 के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ Cl का कितना एटम लिया गया है, 2 एटम। तो सबसे पहला जो बनेगा यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन। अब ये 4 हाइड्रोजन के बचाए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचेगा और एक Cl टूटेगा और एक HCl बाहर हो जाए। हम क्या बोले कि एल्केन से जब हाइड्रोजन हैलोजन व्युत्पन्न बनाना होगा तो बारी बारी से हाइड्रोजन हटेगा, उसके जगह पे क्लोरीन आकर जुटेगा, या यू बोले तो कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, यहाँ पे Br भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेन है और क्लोरीन, क्लोरीन का याद रखिएगा Cl2 के फॉर्म में होता है। हम क्या यहां से हाइड्रोकार्बन में मीथेन है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस 4 हाइड्रोजन को क्या किए, एक हाइड्रोजन कम कर दिए, 3 हाइड्रोजन बच रहा है, तो एक क्लोरीन इसके साथ जुटेगा और जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन चूंकि यहां से हटेगा तो एक Cl के साथ अलग हो जाएगा। फिर अब दूसरा चरण का बात किया जाए, अब की बार क्या बन रहा है, तो CH3 Cl बन रहा है, इसको फिर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे यानी कि Cl2। तो जब फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अब की बार देखिए तो यहां पे कितना हाइड्रोजन बच रहा है, अब की 3 हाइड्रोजन बच रहा है, तो 3 हाइड्रोजन बच रहा है तो अब की बार फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा, तो अब यहां पे कितना हाइड्रोजन बचेगा, CH2, 3 के बजाय 2 हाइड्रोजन होगा और यहां पे क्लोरीन है कितना अभी, एक, तो एक हाइड्रोजन हटा तो एक क्लोरीन और जुटा तो 2 गो क्लोरीन बन गया, देख पा रहे होंगे CH2 Cl2, और बाद बाकी एक हाइड्रोजन चूंकि यहां से निकल रहा है तो क्लोरीन के साथ जाकर ऐड हो जा रहा है। यही प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक कि सब कार्बन हटके, सॉरी सब हाइड्रोजन हटके क्लोरीन उसके जगह पे नहीं आ जाता है। तो फिर अब पुनः क्या होगा, अब की बार क्या बन रहा है, CH2 Cl2, फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो अब की बार देखिए, अब की बार यहां पे कितना हाइड्रोजन बच रहा है, 2 हाइड्रोजन बच रहा है, तो 2 हाइड्रोजन बच रहा है तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहां पे CH बचेगा और क्लोरीन अभी 2 है तो हाइड्रोजन हटेगा तो उसके बदला में हैलोजन जुड़ेगा, हैलोजन के रूप में तो क्लोरीन है तो यहां क्लोरीन 2 है, एक ऐड होगा तो क्लोरीन कितना, 3, और फिर से एगो HCl बाहर हो जाएगा। अब की बार यहां पे क्या बन रहा है, अब ये बन रहा है CHCl3, फिर से अगर Cl2 के साथ अगर इसको रिएक्शन कराया जाए तो इस बार क्या बन रहा है, अब की बार हाइड्रोजन एक ही है तो वो हाइड्रोजन अगर हटेगा तो वो हाइड्रोजन हटेगा तो उसके जगह पे एक क्लोरीन और आके ऐड होगा, तो अभी क्लोरीन है क्या, कितना यहां पे, तो 3 है और एक क्लोरीन आएगा
तो टोटल क्लोरीन कितना हो जाएगा, चार। इट मींस सी और एच तो हट गया, तो Cl4 प्लस HCl। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि एल्केन से हैलोजन व्युत्पन्न किया जाता है। हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन को कार्बन के साथ हटाना और उसके जगह पे हैलोजन को जोड़ना, ठीक है। तो अब इसका नाम देख लेते हैं कि क्या होगा। तो एक क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, ठीक है। और यहां पे दो क्लोरो है तो इसका हो जाएगा डाई क्लोरोमेथेन। तीन क्लोरो है, क्लोरीन कितना है तीन, तो यहां हो जाएगा तीन के लिए आता है ट्राई क्लोरोमेथेन। और यहां पे क्लोरीन कितना है चार, तो चार के लिए होता है टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो ये नाम ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपोर्टेंट है हैलोजन व्युत्पन्न बनाना, हैलोजन व्युत्पन्न बनाना कि हम एल्केन से कैसे हैलोजन व्युत्पन्न बना सकते हैं। तो ये सारी जितने भी अभिक्रियाएं हैं उसके नीचे आप नोट कर लीजिएगा। अब टॉपिक्स लेंगे एल्कीन से हैलोजन व्युत्पन्न बनाना, एल्कीन से हैलोजन व्युत्पन्न बनाना। अब क्या टॉपिक लेंगे, छोटा सा टॉपिक। देखिए मेन टॉपिक्स ऐसे करते हैं हम लोग, ये मेन टॉपिक्स हो गया और ये वाला स्टार पॉइंट देते हैं, इसका मतलब हुआ कि उसी के अंतर्गत ये भी आता है लेकिन छोटा टॉपिक के रूप में है, क्योंकि अभी हम लोग तो हैलोजन व्युत्पन्न ही तो सीख रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। अभी एल्केन से सीखे, अब की बार एल्कीन से सीखेंगे, ठीक है। तो लिखा जाए एल्कीन से हैलोजन व्युत्पन्न बनाना, ये टॉपिक हो गया। यहां उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए एल्कीन एवं शुष्क हाइड्रोजन हैलाइड के बीच अभिक्रिया होने से एल्किल हैलाइड या हैलोजन व्युत्पन्न बनता है, हैलोजन व्युत्पन्न बनता है। चलिए अब इसका क्या बोला, एल्कीन से जब भी बनाना होगा, जब भी आपको एल्कीन से अगर हैलोजन का व्युत्पन्न करना होगा तो उसके लिए कुछ रूल नियम है, उस रूल नियम को आपको समझना पड़ेगा। देखते हैं कि वो कौन सा रूल नियम है और उसे रूल नियम पे हमें तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है वो रूल नियम, जरा देखिए। सबसे पहले इसमें रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। पहला क्या, यहां पे कोई एल्कीन रहना चाहिए, यानी कि सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। ऐसे करके कुछ एल्कीन होना चाहिए, एल्कीन है। अब इसको शुष्क हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करना है, तो हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब कितना, हाइड्रोजन और हैलाइड का एक्स से सूचित करते हैं, यानी कि इस एक्स के जगह पे क्या क्या आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अनस्टेट आएगा। यानी कि इसमें बोला गया कि इस कोई एल्कीन रहना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए हमें, यहां पे कोई एच के साथ जुड़ा हुआ हैलोजन, जैसे एच बी आर, एच आई, एच एफ, एच ए टी, कुछ भी रहेगा, तब हम लोगों को यहां पे जो एल्कीन है ना डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा
और ब्रेक होकर कहीं एक जगह एक्स ऐड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बात को, यहां पे एक्स जो है यहां से हटके एल्कीन वाला के साथ ऐड हो जाएगा और बाहर एच टू के फॉर्म में दो हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो ये, और चूंकि एक्स जहां पे ऐड होगा वहां से तो हाइड्रोजन निकलेगा, और जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वो एक्चुअली बाहर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये इस साइन का मतलब ये हुआ कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा रहा है, उड़ जा रहा है, ठीक है। यानी कि जरा अब इस पे एग्जांपल कुछ कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि यहां पे एल्कीन है, एल्कीन का कैटेगरी का कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लिया कि सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पे भी एच, यहां पे भी एच, ठीक है। यहां पे मतलब कि कोई हाइड्रोजन है उससे मतलब नहीं है। यहां पे नाम क्या होगा, तो दो कार्बन का चयन है तो इसका नाम एथीन हो जाएगा। अब इसको हम लोग एच बी आर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि एच होना चाहिए और एक्स की जगह पे कोई भी हैलोजन रहना चाहिए। तब अगर ऐसा सवाल आता है तो आप इसका हैलोजन व्युत्पन्न कैसे बनाएंगे, तो इसका हैलोजन व्युत्पन्न कुछ इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले एथीन दो कार्बन का है और दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कीजिए, डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, ब्रेक करने के बाद ये जो बी आर है इसको ऐड कर दीजिए। कहीं एक जगह पे बी आर ऐड करेंगे तो यहां पे बन जाएगा बी आर, ठीक है। अब यहां पे तो बी आर हो गया, और बाकी हाइड्रोजन पहले से कितना है, चार, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, सॉरी यहां पे ये एच टू प्रेसिपिटेट हो जाता है ना, डायरेक्ट इतना ही बनेगा। यानी कि एक मिस्टेक हुआ था, वो एच टू बाहर नहीं निकलता है, वो एच टू इसी के साथ बॉन्ड हो जाता है, ये जो एच बच रहा है वो इसी के साथ। देखिए इसको तो हम लोग डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कर दिया। अब इस बी आर को जहां आपको इच्छा है आप तोड़ लीजिए, जोड़ सकते हैं, तो हमको मन है इस कार्बन के साथ जोड़ने का, तो जोड़ लिया। अब कार्बन के साथ तो ब्रोमीन जुड़ गया, अब जुड़ गया उसके बाद क्या क्या हो रहा है, तो यहां पे तो चार हाइड्रोजन और यहां पे एक, टोटल कितना हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन। तो यहां पे एक दो तीन चार, पहले वाला का चार हाइड्रोजन ऐड कर दिया और यहां वाला एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये हो गया एल्कीन का हैलोजन व्युत्पन्न, यानी कि हाइड्रोजन हटा और वहां पे कोई हैलोजन आकर जुड़ गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। इस बार जो क्या हो रहा है कि इस बार कोई डबल बॉन्ड वाला हम लोग कार्बन ले रहे हैं इस तरीके से। अब हाइड्रोजन देख लीजिए कितना होगा, एक हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, यहां पे कुछ इस तरीके का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग, चूंकि आपको याद रखना पड़ेगा कुछ चीजें कि हम लोग एल्कीन का हैलोजन व्युत्पन्न कैसे प्राप्त करते हैं, जब उसके साथ हाइड्रोजन के साथ कोई हैलोजन होना चाहिए। तो कोई हाइड्रोजन के साथ हैलोजन होना चाहिए का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन रहना चाहिए। अब यहां पे एक्स की जगह पे कुछ भी रखिए आप, मान लिया आई रख दिया, तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो अब हमको क्या होना चाहिए, तो ये जो डबल बॉन्ड का कार्बन जुटा हुआ है, क्योंकि यहां एल्कीन से हम लोग देख रहे थे तो एल्कीन में तो डबल बॉन्ड होता है। अब इसका नाम क्या हुआ, एक दो तीन चार, यानी कि ब्यूटीन नाम हो जाएगा, यानी कि यहां पे ब्यूटीन को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो एक दो तीन चार, चार कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इस बार डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक होके क्या बनेगा, एक दो तीन चार, चार कार्बन बन जाएगा। अब किसी भी एक कार्बन से आपको आयोडीन जोड़ना है, हम किसी भी कार्बन से आयोडीन जोड़ दिए, आयोडीन जुट गया। अब जा, अब यहां आपके पास, इसके पास कितने कार्बन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ कार्बन इसके पास, और इसके पास एक, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, नौ, तो यहां पे जोड़ दीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और देख पाइए कि यहां पे हाइड्रोजन हम लोगों का नौ है कि नहीं है, तो बिल्कुल है,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और एक तो आयोडीन है। तो इस तरीके से हम लोग एल्कीन से भी हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम लोग एल्केन से पढ़े, एल्कीन से पढ़े। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एल्काइन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं क्या हैलोजन व्युत्पन्न। लिखा जाए अब टॉपिक, छोटा सा टॉपिक ये भी है, क्या है तो एल्काइन से संबंधित, एल्काइन से हैलोजन व्युत्पन्न बनाना, हैलोजन व्युत्पन्न बनाना। एल्काइन से हम लोग हैलोजन व्युत्पन्न बनाने का कुछ तरीका है। चलिए उन चीजों को हम लोग सीखते हैं कि एल्काइन से हैलोजन व्युत्पन्न कैसे बनाया जाता है। तो इसके नीचे एरो देकर लिखा जाए कि एल्काइन से कैसे बनाते हैं। फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे एल्काइन, एल्काइन हैलोजन के साथ, एल्काइन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके हैलोजन के व्युत्पन्न बनाते हैं हैलोजन के व्युत्पन्न बनाते हैं। चलिए अब जरा बात करते हैं कि कोई भी अगर एल्काइन रहेगा तो उसका हम लोग हैलोजन व्युत्पन्न कैसे बनाते हैं। जरा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के रूप में, एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई एल्काइन के कैटेगरी का हाइड्रोकार्बन रहेगा, जैसे जैसे है एल्काइन का तो पहचान है कि वो ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो ये एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और इसको कोई भी हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराना है। हैलोजन का मतलब हम Cl भी ले सकते हैं, तो Cl तो अकेले रहता नहीं है, Cl2 ले लिया। तो जब हम लोग इसका हैलोजन व्युत्पन्न बनाएंगे तो सबसे पहले ये क्या होता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना वो डबल बॉन्ड में टूटता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अभी कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि एल्काइन से हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त करना है तो कोई भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर किस में जाएगा, डबल बॉन्ड में, यानी कि इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दे दिया। अब जब डबल बॉन्ड दे दिया तो यहां पे हाइड्रोजन कितना है, दो ठो। अच्छा एक बात बताइए कि यहां कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार, तो दो तो ऑलरेडी बनाया, तीन चार, ये भी तीन चार, इतना घट रहा है। अब इतना जब घट रहा है तो दो को हाइड्रोजन जोड़ना है और ये जो दो क्लोरीन है तो दो दो मिलके चार हो गया। तो आपको जहां कहीं भी मन है, हमको यहां मन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, जोड़ दिया, यानी कि हम लोग ऐसे जोड़कर और डबल बॉन्ड में ब्रेक कर लिया। अब फिर क्या करेंगे, अब जो हमें मिलता है, क्या मिला, सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल सी एल एच, ठीक है, ये जो बन रहा था डबल बॉन्ड में यहां लिख दिए। अब क्या करेंगे इसको फिर से, सॉरी, क्योंकि एक बार Cl2 लिए हैं तो हम लोगों को जब तक व्युत्पन्न प्राप्त नहीं हो जाता है हर बार Cl2 से ही यूज करना होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और फिर डबल बॉन्ड ब्रेक होकर किस में जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड होके, सॉरी डबल बॉन्ड है ना, तो धीरे धीरे एक बॉन्ड घटेगा, तो डबल बॉन्ड से कहां जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो इस कार्बन कार्बन के बीच में और क्या बन गया, सिंगल। जब सिंगल बॉन्ड बन गया तो यहां पे तो हाइड्रोजन क्लोरीन ये सब तो है ही है। आप ये बताइए कि इस कार्बन को भी कितना बॉन्ड चाहिए, तो कार्बन तो हमेशा चार बॉन्ड चाहिए होता है, एक बॉन्ड बनाया है, इसको भी तीन चाहिए, इसको भी तीन चाहिए। अब यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन, यहां पे हाइड्रोजन,
यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, उसके बाद दो जो दो खाली जगह बन रहा है इसको आप Cl और Cl जोड़ दीजिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइन से हैलोजन व्युत्पन्न बनाना। यानी कि सबसे पहले एल्काइन वाला में याद रखना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तब जाके सिंगल बॉन्ड प्राप्त होता है, और यही कहलाता है एल्काइन का हैलोजन व्युत्पन्न। एल्काइन का हैलोजन व्युत्पन्न, जैसा कि हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या, हाइड्रोजन हटना और उसके जगह पे क्लोरीन आकर जुटना, क्लोरीन आकर जुड़ गया, तो ये है हैलोजन व्युत्पन्न। जरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं तब हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि क्या कहा जा रहा है एल्काइन से हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देते हैं, इस बार कुछ इस तरह का है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इस तरह का अल्काइन है। अब इसको हम लोग किसी भी हैलोजन के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं, तो किसी भी हैलोजन का मतलब इस बार हमें मन किया तो Br2 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो इसका व्युत्पन्न कैसे कैसे प्राप्त होगा। हम क्या बोले कि जो कोई भी अल्काइन है, कोई भी एल्काइन है उसको आप पहले डबल बॉन्ड में ब्रेक कीजिए। तो इसको आप डबल बॉन्ड में कैसे ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले यहां कार्बन है कितना, 1 2 3, आप लिखिए 1 2 3, यहां ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इस ट्रिपल बॉन्ड के जगह पे आप डबल बॉन्ड दे दीजिए और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इस कार्बन को कितना चाहिए भाई, तो इस कार्बन को 2 ठो चाहिए, किधर भी 2 ठो दे दीजिए क्योंकि कार्बन का 4 पूरा होना चाहिए, तो 2 3 4। इस कार्बन का कितना घट रहा है, तो इस कार्बन का 1 घट रहा है, 2 1 3 तो है और नीचे 1 दे दीजिए 4। इस कार्बन का कितना घट रहा है, तो 3 घट रहा है, तीनों तरफ दे दीजिए। अब यहां पे कितना हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन, तो आपको जहां कहीं भी मन करे 1 2, हमको मन यहां है, बस 4 को हाइड्रोजन देना है, दे दिया। उसके बाद ब्रोमीन कितना है, 2, तो 2 जो 2 खाली जगह पे Br को ऐड कर दें। ठीक है, अब फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हैलोजन व्युत्पन्न तभी हो पाएगा जब तक उसको तोड़ तोड़ के सिंगल बॉन्ड में नहीं ला देंगे, तो अब की बार हम लोग फिर से करेंगे। अब क्या मिल रहा है वहां पे, तो ऐसा HCHBrCHCBrH। ठीक है, अब यहां पे प्लस Br2, फिर से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो अब की बार क्या करेंगे कि जहां डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन लेंगे, 1 2 3। अब जब सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर देंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ, अब सब सिंगल सिंगल के साथ कर दिए, तो इस कार्बन को कितना घट रहा है, 3 और हाइड्रोजन घट रहा है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, और सॉरी 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 यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं, गलती हो गया, यहां पे कितना कितना घट रहा है, 17 इतना इतना घट रहा है। अब यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से देख पा रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां पे ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है, यहां और बाकी 2 को ब्रोमीन है, उसके लिए 2 ऑटोमेटिक जगह खाली बच जाएगा, Br ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग एल्काइन से हैलोजन व्युत्पन्न बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोगों ने सीखा कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से हैलोजन व्युत्पन्न कितने विधियों से बनाया जा सकता है, 3 विधि से, एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से। तो जब भी एल्केन रहेगा तो वो 4 मेथड से, यानी कि सबसे पहले 1 हाइड्रोजन हटेगा, फिर क्लोरीन जुटेगा यानी कि हैलोजन जुटेगा, ऐसा 4 हाइड्रोजन हट के और उसके पास 4 क्लोरीन हो जाता है, वो हैलोजन व्युत्पन्न।
फिर एल्किन में कैसे सीखे कि डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में और जितना उसको जरूरत होगा हैलोजन उतना दे देंगे। लेकिन एल्काइन से कैसे बनाएंगे हैलोजन व्युत्पन्न, तो एल्काइन से यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में, एल्काइन से बनेगा एल्किन यानी कि डबल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग हैलोजन व्युत्पन्न करने के लिए सीखे। अब इसके आगे जो भी टॉपिक्स होगा हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।